An introduction, second part. In this part, we will discuss about the basic terminology of accounting. In this topic, we will discuss about the basic terms of accounting. In other words, we can say the language which we use in accounting. Like there are few words, I am just reading out: transactions, assets, liabilities, capital, sales, revenue, expenses, expenditure, profit, gain, discount, voucher, goods, drawings, purchases, stock, debtors, creditors, receipts, cost, sales return, trade payables, trade receivables, purchases return, market value, books of accounts, depreciation, entry, insolvent, solvent, proprietor, partner, loss, book value, credit, debit, rebate, entity, account, final accounts. Means these are the words. You have already seen few of the words in the previous slide, which are the specific word used in accounting. So now let's discuss about them. Entity. Entity means a definite individual existence, means a specifically identified business enterprise. Every single business entity has separate accounting system. Means every individual entity, every individual business firm maintain its separate accounts. Transactions. An event involving some value between two or more entities is called a transaction. तो या दो से ज़्यादा संस्थाओं के बीच में कोई ऐसी घटना जिसमें कुछ वैल्यू हो, उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है. इट मे बी ए कैश ट्रांजैक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैपिटल. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स. एसेट्स. Assets are the item of value used by the business in operation. Assets means something which is having some value, which can be converted into cash and which are used in the operation of the business. व्यापार को चलाने में, व्यापार के काम करने में जिन संपत्तियों का प्रयोग हो रहा है, जिनकी कुछ वैल्यू है. These are of two types: non-current assets and current assets. Non-current assets में आती है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल होती हैं. टेंजिबल जो आपको दिखाई देती है, जिनको आप टच कर सकते हो. इंटेंजिबल जो हमें दिखाई नहीं देती हैं फिजिकल फॉर्म में, बट वो एसेट होती हैं, लाइक गुडविल, पेटेंट एसेट्रा. कैपिटल. वर्क इन प्रोग्रेस. इट मीन्स लाइक बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये इस प्रकार की एसेट्स होती हैं. इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मीन्स लाइक एनी फॉर्मूला विच वी आर डेवलपिंग. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी जब कुछ पैसा हम किसी बाहर की दूसरी संस्था में इन्वेस्ट कर देते हैं लंबी अवधि के लिए, विच कैन नॉट बी टेकन बैक विद इन 12 मंथ्स. डेफर्ड टैक्स एसेट्स. दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल टैक्स पेड एंड द एक्सपेक्टेड टैक्सेस. लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस यानी हमने जब किसी दूसरी संस्था व्यक्ति को लोन दे रखा है या कुछ एडवांस किसी पार्टीज को किसी को दे रखा है. अदर नॉन करंट एसेट्स. कुछ और ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम नॉन करंट के पार्ट में रखते हैं. करंट एसेट्स जिसके अंदर आता है करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट पीरियड के लिए किया गया है. इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, यानी हमारी फर्म के अंदर जो कच्चा या तैयार माल है. ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि वो व्यक्ति जिनसे हमें पैसा लेना है, डेटर्स होते हैं इसके अंदर. कैश एंड इक्विवेलेंट्स लाइक हमारा जो कैश का बैलेंस है या हमारा जो बैंक में बैलेंस है. शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो हमने किसी को थोड़े दिन के लिए दे रखे हैं विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ्स. एंड अदर करंट एसेट्स
कुछ और करंट एसेट्स होती हैं जो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। मींस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सम ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स समवन दैट बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ इट इज टू बी पेड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ्स देन इट इज करंट लायबिलिटीज, अदरवाइज इट इज नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो हम कुछ थोड़े समय के लिए पैसा उधार लेते हैं, ट्रेड पेबल्स यानी हमारे क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार माल खरीदा उनको हमें पेमेंट करना है, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, कुछ हम व्यवस्थाएं करते हैं फ्यूचर के लिए एंड कुछ अन्य लायबिलिटीज होती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी हमने लंबे समय के लिए जो उधार लिया हुआ पैसा है वो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट यानी जैसे मैंने आपको एसेट्स में भी बताया था, एक्चुअल टैक्स पेड एंड जो एक्सपेक्टेड टैक्स है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके लिए होता है ये, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कुछ अन्य लायबिलिटीज जो लंबी अवधि के लिए हैं एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो व्यवस्थाएं जो लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि का मतलब होता है मोर देन वन ईयर या मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए की जाती है, दैट लायबिलिटीज दैट आर कॉल्ड लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम केवल उस चीज की सेल की बात कर रहे हैं जो गुड्स या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं या जिसको बेचना हमारा मेन व्यापार है। यहाँ पर अगर हमने अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई नई बिल्डिंग हमने बेच दी और हम बिल्डिंग रियल इस्टेट का काम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए सेल नहीं है। परचेजेस। परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और ऑन कैश मे बी फॉर यूज और सेल। इन ट्रेडिंग कंसर्न परचेजेस आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। यानी कि जब हम कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदते हैं और इसलिए खरीदते हैं ताकि हम उसको या तो दोबारा से उसी रूप में या उसका रूप बदल कर बेचेंगे तो ऐसी खरीदी हुई चीज़ों को हम परचेज कहते हैं। वो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज में भी रिटर्न टू द सेलर। जो हमने सामान खरीदा है वो हम उसके जिससे खरीदा उसको वापस कर सकते हैं मे बी एनी रीज़न। कोई भी रीज़न हो सकता है, सामान अच्छा नहीं है, जो हमने स्पेसिफिकेशन दिया था अकॉर्डिंगली नहीं है, मे बी मैनी रीजन्स। बट वेन गुड्स परचेज रिटर्न टू द सेलर इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न या रिटर्न आउट। वेन गुड्स सोल्ड एंड रिटर्न बाय द परचेजेस आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवॉल्व। यानी जब हम बेचे हुआ माल वापस लेते हैं तो इसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। रिवेन्यू और इनकम। These are the amount of the business earned by the selling its product or providing services to the customer. It is of two types, revenue from operation and revenue from other activities. यहाँ पर दो पॉइंट समझने के लिए, accrued income and advance income. Accrued income वो है जो हमें ड्यू तो हो गई है लेकिन मिले नहीं है, और एडवांस इनकम वो होती है जो हमें अभी ड्यू नहीं हुई थी लेकिन समय से पहले ही मिल गई। लाइक किसी ने हमें परचेज ऑर्डर दिया है, हमसे सामान खरीदना चाहता है और उसने हमें अमाउंट एडवांस में दे दिया तो ये एडवांस रेवेन्यू हमारे पास आ गया। और दूसरी तरफ अगर हमने किसी को माल बेच दिया और उससे अभी पैसा नहीं आया है वो एक्रूड इनकम हो सकता है। एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड बाई ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। लाइक वेजेस हमने पे किया। यहां पर भी दो बातें समझनी है, आउट स्पेंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए बट नॉट पेड। वेजेस, हमने आज काम कराया, हमें आज का देना चाहिए था लेकिन अभी दिया नहीं है,
ड्यू बट नॉट पेड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और कभी कभी हम एक दिन पहले एडवांस में पे कर देते हैं, दैट इज पेड इन एडवांस। इसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर दिए गए हैं। एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा अंतर है। स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस होते हैं जो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, और एक्सपेंडिचर वो हैं जिसके बदले में हमें कोई प्रॉपर्टी मिलती है। लॉस, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रिवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस। हमें रिवेन्यू मिला और हमारे खर्चे उसके ऊपर ज्यादा हो गए तो ये लॉस है। द प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। यानी जब हमारा रिवेन्यू ज्यादा हो और खर्चे कम हो तो प्रॉफिट हो गया, और जब खर्चे ज्यादा थे और रिवेन्यू कम था तो लॉस था। इट मे बी ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। गेन, अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग अ कोर्ट केस। मीन्स जो हमारे रेगुलर फंक्शन नहीं है, हमें अलग से कुछ फायदा हो गया, लाइक हमने कोई बिल्डिंग बेच दी उस पर फायदा हो गया, कोई कोर्ट केस जीत गया उस पर फायदा हो गया, तो ऐसे को हम गेन कहते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो हम माल बेच रहे हैं उसके प्राइस में जब हम कमी कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। इट इज आइदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। एंड कैश डिस्काउंट होता है ऑन क्रेडिट सेल्स ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। जब कैश पेमेंट करते समय कैश कितना हम पे कर रहे हैं उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो किसी वस्तु की लिस्ट प्राइस पर लिस्ट प्राइस अमाउंट में से कम कर दिया जाता है। विवेक, इट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। यानी जिन कारणों से ट्रेड या कैश डिस्काउंट दिया जाता है उसके अलावा अगर किसी कारण से छूट दी जा रही है, दैट इज अ रिबेट। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट इज अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। हमने माल बेचा था और ट्रेड डिस्काउंट सारे करने के बाद बेचा था, लेकिन वहाँ पर पता लगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो हमें उससे कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, दैट इज रिबेट। वाउचर, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। किसी भी ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस जो होता है, आपने माल खरीदा, एक आपके हाथ में मेमो होता है, आपने किसी को पेमेंट किया तो एक रिसीप्ट होती है, तो दैट आर कॉल्ड वाउचर्स बिकॉज दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गुड्स, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। हमारे लिए गुड्स वो है जिसका हम व्यापार करते हैं, बाकी चीजें गुड्स नहीं है हमारे लिए। द आइटम दैट आर परचेज इन द बिजनेस फॉर इट्स यूज आर नॉट कॉल्ड गुड्स। हमने फर्नीचर खरीदा वो गुड्स नहीं है, लेकिन हमने कच्चा माल खरीदा या तैयार माल खरीदा बेचने के लिए, दैट इज गुड्स। ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग। पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ विड्रॉ किया है ओनर ने, वो कैश में भी हो सकता है, वो सामान के रूप में भी हो सकता है, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग। स्टॉक या इन्वेंट्री, also called stock in hand, is the amount of goods which are lying unsold in the firm. At the end of an accounting period, it is called closing stock, and at the beginning of an accounting period, it is called opening stock. यानी same होता है, साल के अंत में जो बचा है वो closing है, और वही stock next year के शुरू में opening stock कहलाता है। And stock in hand means वो goods जो हमारे पास unsold रखा है, वो raw material भी हो सकता है, वो रेडीमेड तैयार मटेरियल भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन, इट इज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूजेज और
with efflux of time or absences or accident. यानी बहुत सारे कारण से जब किसी एसेट की कीमत में कमी आने लगती है, इस्तेमाल की वजह से या पुराना हो जाने की वजह से या उसका फैशन चले जाने की वजह से, दुर्घटना की वजह से, तो उस कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है. टेंजिबल एसेट्स में वो डेप्रिसिएशन होता है और इनटेंजिबल एसेट्स में वो एमोर्टाइजेशन होता है. कॉस्ट, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी. ट्रेड रिसीवेबल्स इज सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, यानी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर जो बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स. नाउ व्हाट इज डेटर्स एंड रिसीवेबल्स? डेटर्स आर द पर्सन और अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट. हमने किसी को उधार माल या सेवा भी दी है तो हमें उससे जो पैसे लेने हैं तो वो व्यक्ति हमारे लिए डेटर. बिल्स रिसीवेबल, इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट. ये डॉक्यूमेंट होता है और डेटर्स इसको एक्सेप्ट करके ये कह देते हैं कि हम एक निश्चित समय के बाद आपको पेमेंट दे देंगे, एक निश्चित डेट पर हम आपको पेमेंट दे देंगे, तो ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाता है. इसके अपोजिट टोटल ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इज कॉल्ड ट्रेड पेबल्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर द पर्सन और अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाई एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फर्म ऑन क्रेडिट. यानी जिन व्यक्तियों से हमने उधार में सामान खरीद रखा है या कोई सेवा ले रखी है तो उनको हमें पेमेंट करना है, दे आर कॉल्ड अवर क्रेडिटर्स. कभी कभी हम उनको एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके दे देते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हम एक निश्चित समय के बाद उनको पेमेंट कर देंगे, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल्स पेबल. बिल्स पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाई द पर्सन और एंटरप्राइज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफिक डेट्स, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल. बैड डेट्स, इट इज दैट अमाउंट ऑफ ओड टू द बिजनेस बाई डेटर्स विच हैज बिकम इररिकवरेबल, यानी वापस नहीं मिलेगा, इररिकवरेबल है ये आएगा नहीं हमारे पास, डेटर्स से हमें लेना था लेकिन अब शायद नहीं मिलेगा. इट इज कॉल्ड बैड डेट्स, इट बिकम्स बैड. बैड डेट अमाउंट रिसीव्ड बिकम्स बैड डेट्स रिकवर. कभी कभी जब ये वापस मिल जाता है हमें तो इट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर. सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट. सॉल्वेंट हम उस व्यक्ति या बिजनेस को कहते हैं जो अपने सभी डेट्स पे करने की क्षमता रखता है, पे कर सकता है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट. इनसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट्स. अकाउंट, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, कैश और क्रेडिट, मे बी कैश मे बी क्रेडिट, अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट लाइक सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एक्सेट्रा. इट इज नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस बट ऑल्सो इट्स इफेक्ट एंड डायरेक्शंस. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर वन हेड एंड दैट हेड इज कॉल्ड एन अकाउंट. क्रेडिट, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट and this word credit has been derived from an Italian word credito. Debit is the left side of an account and it has been derived from an Italian word debito, yani credit from credito and debit from debito, and these are the two sides of an account. Book of account, the records or book in which financial transaction of an enterprise are recorded and maintained is called book of account. Book value, this is the amount at which an item appears in the books of account or financial statement, whereas market value is that amount at which an item is available in the market for sales.
यानी हमने अपनी बुक्स में जिस रेट पर, जिस वैल्यू पर, जिस कॉस्ट पर किसी आइटम को रिकॉर्ड किया हुआ है वो बुक वैल्यू है, और उसी आइटम की अगर मार्केट में वैल्यू कुछ और है तो जो मार्केट में वैल्यू है दैट वैल्यू इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू. प्रॉपर आइटम. द ओनली पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉपर आइटम. पार्टनर. When two or more persons join together to carry on a particular business and share its profit and bear risk associated with that business are called partners. यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो partnership कहलाता है, और उसको करने वाले उसके owner partners कहलाते हैं. और जब कोई एक ही व्यक्ति किसी व्यापार को कर रहा होता है, वही उसमें पैसा invest करता है, वही ओनर होता है उसका, वही रिस्क बियर करता है, तो वो प्रोप्राइटर कहलाता है, और वो फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहलाती है. एंट्री. ए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एन एंट्री. जब हम फर्स्ट टाइम किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो ये एंट्री कहलाता है. फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट. These are the final accounts prepared after recording all transactions at the end of accounting process of a particular period. और इस final accounts या financial statement के अंदर हम तीन प्रकार की चीज़ें बनाते हैं. Trading account, profit and loss account जिसको statement of profit and loss भी कहा जाता है, and balance sheet. That's all as an introduction of accountancy. Thank you very much.